ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले जो है अर्थशास्त्र में हमने केवल ये जाना था अर्थशास्त्र क्या है, केवल उसका मीनिंग समझा था। आज जो है हम बताने जा रहे हैं कि अर्थशास्त्र की कितनी परिभाषाएं। देखिए, परिभाषाएं काफी ढेर सारा था, जैसे अर्थशास्त्र की परिभाषा, इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा जाता था। इस बार जो है क्लास 12th में इसको बहुत ही संकुचित तरीके से दिया हुआ है, फिर भी हम जो है थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे और परिभाषाओं में जो है बुक के अकॉर्डिंग भी चलेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी जानेंगे, क्योंकि अगर थोड़ी मोड़ी बातें अगर हम एक्स्ट्रा ना जाने तो क्या होता है, हमारा ज्ञान संकुचित हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा डिटेल में आपको मिलता रहेगा और वीडियो जो है छोटा छोटा बनेगा, तो परिभाषाओं पर भी वीडियो जो है बढ़ सकता है। आज जो है पहला वीडियो हम लेके आते हैं जो अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में बात करने जा रहा है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स के वीडियोस लेक्चर आते रहेंगे, पर डे के करीब करीब आएंगे या पर डे के एक दिन के अंतराल पे आ सकते हैं, यानी दूसरे दिन आ सकते हैं। ठीक है, या तो पर डे आएंगे या तो एक दिन के अंतराल पे आएंगे, इसलिए आपको इकोनॉमिक्स अगर कंप्लीट करना है तो जरूर हमारे चैनल पे बने रहिए, आपका सारा चीज कंप्लीट होगा। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, इस नंबर से आप मैसेज करेंगे तो आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जो क्लास 12 के बच्चों के लिए बना हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको क्या होगा, सारा का सारा वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड होता रहेगा टाइम टू टाइम। अगर आपका यूट्यूब नोटिफिकेशन लेट करता है तब भी आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ जो हम अकाउंट्स के और बीएसटी के जो है लाइव लेक्चर लेके चलते हैं, लाइव क्लासेस लेके चलते हैं, उसके बारे में भी सूचनाएं टाइम टू टाइम मिलते रहेगा और नोट्स वगैरह भी फ्री में प्रोवाइड होते रहेंगे, इसीलिए आपको उसको ज्वाइन करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम लोग जब अर्थशास्त्र की परिभाषाएं की बात करते हैं तो काफी ढेर सारी परिभाषाएं आती हैं और हमने यहाँ पर जो है ये मुख्य रूप से जो चार परिभाषाएं होती हैं उन चारों परिभाषाएं का नाम लिखा है। हमें इसमें इन चारों परिभाषाओं को पढ़ना है और थोड़ा सा विस्तार से हम पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हो तो है तो बहुत ज्यादा, लेकिन जो सिलेबस थोड़ा सा संकुचित कर दिया गया है। तो इसमें हम लोग समझेंगे सबसे पहला परिभाषा, जिसका नाम है धन संबंधी परिभाषा। याद रखिएगा, क्या नाम है, धन संबंधी परिभाषा, जिसे देने वाले व्यक्ति थे एडम स्मिथ। कौन थे, एडम स्मिथ। ये अर्थशास्त्र की सबसे पहली परिभाषा है। दूसरा परिभाषा जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है मानव कल्याण संबंधी परिभाषा, जिसको देने वाले व्यक्ति थे कौन, मार्शल, प्रोफेसर मार्शल। ठीक है, तीसरा जो परिभाषा है उसका नाम है चुनाव संबंधी परिभाषा। ठीक है, चुनाव संबंधी परिभाषा, ये कौन सा है, ये आपका तीसरा परिभाषा है, इसको इसको देने वाले थे वो रॉबिन्स थे। ठीक है, और सबसे लास्ट जो है चौथा परिभाषा है उसको देने वाले हैं, पहले उसका नाम जान लीजिए, उसको आधुनिक परिभाषा भी कहते हैं या विकास संबंधी परिभाषा भी कहते हैं। रीजन क्या है कि आज के समय में, आधुनिक समय में सभी लोग चाहते हैं विकास करें, तो अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी समस्या अब विकास हो चुका है, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने तक ही अब जो है अर्थशास्त्र नहीं रह गया, बल्कि अब क्या है, अब विकास करना ही अर्थशास्त्र का सबसे बड़ी समस्या हो गया, इसलिए अब इसको विकास संबंधी परिभाषा में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया गया। और जिसको परिभाषित करने वाले हैं प्रोफेसर सैमुएलसन, और ये जो है ये नोबेल प्राइज भी पाए हुए व्यक्ति है। ठीक है, ये जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित व्यक्ति है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन, प्रोफेसर सैमुएलसन। अब बात करते हैं सबसे पहली परिभाषा की जो हमने यहां पर लिखा। ठीक है, क्या है वो परिभाषा, नाम ही क्या है, धन संबंधी परिभाषा, यानी इधर जो है इस वाले परिभाषा में अर्थशास्त्र को सबसे मुख्य बिंदु इसमें किसको माना जाएगा, धन को। एडम स्मिथ जो है उन्होंने अर्थशास्त्र को जब परिभाषित किया तो उन्होंने धन को ही सबसे मुख्य बिंदु माना कि धन का ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। धन का ज्ञान विज्ञान है, धन के बारे में जानना, धन के प्रयोग के बारे में समझना, यही विज्ञान है। यानी मूल रूप से इन्होंने केवल धन को ही सबसे बड़ा पॉइंट माना, सबसे मेन पॉइंट माना। किसने, एडम स्मिथ ने। और इन्होंने कैसे परिभाषित किया, इन्होंने परिभाषित किया कि एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह अध्ययन है। ठीक है, अर्थशास्त्र अध्ययन है, हमने इससे पहले भी पढ़ा था अर्थशास्त्र क्या अध्ययन है, क्योंकि हम लोग विषय के तौर पे पढ़ रहे हैं, एक अध्ययन के तौर पे पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है अर्थशास्त्र एक अध्ययन है, एक विज्ञान है जो राष्ट्रों के, याद रखिएगा राष्ट्रों के, यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि केवल एक राष्ट्र की बात नहीं, अर्थशास्त्र में कई राष्ट्रों की बात भी हो सकता है, अपने अपने देश के, अपने अपने क्षेत्र विशेष की भी बात हो सकता है, हम लोग किसी भी क्षेत्र में पढ़े वो अर्थशास्त्र है। तो यहाँ पर राष्ट्रों की बात कर रहे हैं, मतलब तरह तरह के राष्ट्र, इंडिया अपने बारे में अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेगा, अमेरिका अपने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेगा, इस तरह से, या पूरा ग्लोबल यानी पूरा विश्व सभी राष्ट्रों के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेगा, इसीलिए। ठीक है, जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है, यहां यही बात समझना है। ठीक है, यहां पर आपको यही बात समझना है कि राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है, ये क्या है, अर्थशास्त्र है। मतलब इसमें देख रहे हैं आप ना कि एडम स्मिथ ने धन को छोड़कर और किसी के बारे में बात नहीं किया, एडम स्मिथ ने धन को छोड़कर किसी के बारे में बात नहीं किया, लेकिन धन जो है अपने आप में वो संकुचित शब्द नहीं है,
आप लोग जैसे ही धन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में तुरंत आ जाता है यार केवल मुद्रा की बात है, लेकिन नहीं, धन में वो सारी की सारी संपत्तियां, वो सारे के सारे संसाधन आते हैं जिसके बदौलत क्या हो सकता है, आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सकता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था धन क्या गलत है, सीमित साधन को धन कहते हैं, जो संसाधन आपके पास मौजूद है जिसके बदौलत आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वो सबके सब धन कहलाता है, चाहे वो आपका संसाधन मकान ही क्यों ना हो, उससे भी तो आप संतुष्ट हो रहे हैं ना, आपकी आवश्यकता संतुष्ट हो रहा है, आपकी आवश्यकता पूरा हो रहा है, वो भी धन है। सारी की सारी संपत्तियां, ठीक है, और सारे के सारे जो भी संसाधन है और उसके साथ मुद्रा, मुद्रा भी एक संसाधन है, ये सब के सब धन है। तो यही बताया एडम स्मिथ ने कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र अध्ययन है, एक ऐसा अध्ययन है जो सभी राष्ट्रों के धन के बारे में, ठीक है, धन के किस चीज के बारे में, धन के स्वभाव के बारे में, कि धन किस प्रकार से व्यवहार करता है, धन क्या किस प्रकार से संतुष्ट करता है, इस सब में, ठीक है, इनके बारे में एवं इनके कारणों की जांच करता है, इनके कारणों की मतलब उसका स्वभाव क्या है और उसका क्या कारण है, धन का क्या कारण है कि वो हमें संतुष्ट करता है, हम क्यों उससे संतुष्ट हो रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये एक विज्ञान की तरह काम कर रहा है, अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। इन्होंने एक लाइन और बोला था, क्या, अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, इसी परिभाषा के एक सबसे बड़ा टैगलाइन है एक तरह से कह सकते हैं, अर्थशास्त्र क्या, धन का विज्ञान है, यानी ये धन के बारे में पूरा का पूरा व्यवस्थित ज्ञान है कि धन का किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस प्रकार से उसका यूज होगा, कैसे धन प्राप्त होता है, कैसे धन चलता है, तो जितनी भी संसाधन है वो कैसे उत्पत्ति होता है, किस प्रकार से उसका साइकिल क्या है, मतलब वो किस प्रकार से जाता है लोगों के पास, किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से प्रयोग होता है, किस प्रकार से संतुष्ट करता है, ये सारा का सारा चीज जो है क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। यही बताया है किसने, एडम स्मिथ ने। तो देखिए परिभाषा तो बहुत संकुचित है, परिभाषा जो है बहुत संकुचित है, लेकिन इसको समझने पे ये विस्तार रूप ले लेता है और पूरी तरह से परिभाषित करता है कि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, अब बात आता है कि ये कहां पर परिभाषा आया था, तो एडम स्मिथ ने, जिनका कार्यकाल 1723 से 1790, यानी एक तरह से बोला जाए इनका जन्म 1723 में हुआ था, मृत्यु 1790 में हुआ था, किनका, एडम स्मिथ का, इन्होंने अपना एक पुस्तक लिखा था। ठीक है, इन्होंने अपना एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था राष्ट्रों के धन का स्वरूप तथा कारणों की खोज, ये इनके किताब का नाम था। क्या नाम था इनके किताब के, राष्ट्रों के धन का स्वरूप तथा कारणों की खोज, ये इनके किताब का नाम था। इंग्लिश में इसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ द नेशन, ये इनका क्या है, किताब का नाम है। ठीक है, जो प्रकाशित हुआ था, यहां पर क्योंकि हमने डेट नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा 1776। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था, 1776 में ये किताब आया था, बात क्लियर है। इसी में इन्होंने ये परिभाषा को दिया था, किसने, एडम स्मिथ ने इसी बुक में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था कि अर्थशास्त्र है क्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किसके बारे में, मार्शल की परिभाषा को समझेंगे और उसके बाद रॉबिन्स की परिभाषा को समझेंगे। ठीक है, ये दो परिभाषा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद आने वाली वीडियो में इसी तरह से पूरा परिभाषा कंप्लीट होगा और आगे भी चलते रहेंगे। ठीक है, तो आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, अगर बहुत अच्छा लगता है तो आप जो है लाइक भी करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इस क्लास के बारे में पता चले और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, बाय। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।